छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर वार्ड क्रमांक 1 में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन शिवसेना की पूर्व नगर सेविका तेजस्वी अभिषेक गोसालकर और शिवसेना शाखा क्रमांक 1 शिवसेना उपनेता माढ़ा अध्यक्ष विनोद गोसालकर के द्वारा किया गया। 21 मार्च को आयोजित इस रक्तदान शिविर और साथ ही निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन कॉलोनी यूनियन बैंक के सामने सुबह 9 बजे से किया गया। इस बार 3 रक्तदाताओं ने अलग अलग तरीके से रक्तदान कर शिव जयंती मनाई। आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर में 14 लोगों की जांच कर नागरिकों को निःशुल्क चश्मा वितरित किया गया। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर ने नागरिकों को रक्तचाप और मधुमेह की जाँच की और उन्हें स्वास्थ्य के संबंध में मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक मुंबई बैंक निदेशक अभिषेक गोसालकर, उपखंड संयोजक संकुंतला सैलार, उप प्रमुख बाल कृष्ण धामले तथा सभी संयोजक कर्ण, शाखा प्रमुख राजेंद्र इंद्रुलकर, शाखा और गली सहित बड़ी संख्या में जेर जुड़ीन मेड़ोसा, कार्यालय प्रमुख राजेंद्र घुले, शिव सैनिक और शिव प्रेमी नागरिक यहां पर उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अभिषेक गोसालकर का क्या कुछ कहना था शिव जयंती के अवसर पर आयोजित पूरे दिन के कार्यक्रम को लेकर, देखिए यह खास रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमेशा हमारे प्रेरणा स्थान रहे हैं, महाराष्ट्र के नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के वो आराध्य दैवत है। मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो महाराष्ट्र के रहते के लिए, जनते के लिए जो काम किया और उनका आदर्श लेके आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव साहब ठाकरे जी आज इस महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। हम हर साल जयंती पर एक बड़ी रैली निकालते हैं और वो रैली में मेरे ख्याल से हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आज कोरोना के इस महामारी के संकट में आज रैलियां बंद है, तो हम लोग ने नेत्र चिकित्सा का यहाँ पे शिविर रखा हुआ है, वो भी फ्री में रखा हुआ है। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो नेत्र चिकित्सा कर रहे हैं उनको चश्मा भी हम लोग यहाँ पे फ्री में दे रहे हैं। साथों साथ ब्लड डोनेशन कैंप का भी हम लोग ने यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज किया है। आज 50 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट यहाँ पे किया हुआ है। हमारा 100 से ज़्यादा का टारगेट आज है और शाम को हम लोग ने शिव प्रतिमा का हम लोग ने पूजन यहाँ पे रखा हुआ है। मेरे ख्याल से एक सामाजिक जो संदेश है या शिव छत्रपति महाराज को जो लोगों के लिए वो करते आ रहे हैं, जो समाज की सेवा उन्होंने की और जो महिलाओं का आदर किया, इसी माध्यम को आगे बढ़ाते हुए शिव सैनिक के नाते हम लोग ने आज ये आरोग्य शिविर और ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर आयोजन किया हुआ। तभी भी 150 से ज़्यादा लोगों ने कोविड के काल में भी यहाँ के प्रभाग क्रमांक 1 के लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया और आज भी हम लोग ये ब्लड डोनेट का कैंप लगाया हुआ है। ब्लड डोनेशन आपको पता है कि कोविड में किस तरह ब्लड की कमियाँ हो गई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब को अपील करना पड़ा कि यहाँ पे आप ब्लड की कमियाँ है, 7 दिन का ब्लड बचा हुआ है, आपको ब्लड डोनेट करने आगे आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि अभी 4थी वेव भी आने की संभावना है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग ने यहाँ पर रखा है कि आने वाले कोई कुछ भी संकट हो तो हम शिव सैनिक या हमारे मुख्यमंत्री जो हमें कार्य देते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम एक शिव सैनिक के नाते हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।